नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज बेरीज में। दोस्तों, नॉलेज बेरीज की टीम जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट करके ले आई है। ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू गेट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। दोस्तों, कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस JRD टाटा को फर्स्ट टाइम दिया गया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हु कॉइन्ड द चिपको स्लोगन इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। तो दोस्तों, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी का स्लोगन जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। तो दोस्तों, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन PM ऑफ इंडिया होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़। तो दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के फर्स्ट चांसलर जो है हकीम अजमल खान थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये 22 नवंबर 1920 को इलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। तो दोस्तों, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स जो है थाईलैंड को कहा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस। तो दोस्तों, सिटी ऑफ पैलेसेस कोलकाता को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट। तो दोस्तों, इंडिया का फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो दोस्तों, थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के फाउंडिंग फादर मैक्स वेबर थे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द एलिस इन द वंडरलैंड। तो दोस्तों, एलिस इन द वंडरलैंड के डायरेक्टर टिम बर्टन थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन्स वर बोर्न। तो दोस्तों, वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन जो है हांगकांग में बोर्न हुई थी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये 2001 में बोर्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन सेव चाइल्ड मूवमेंट। तो दोस्तों, सेव चाइल्ड मूवमेंट या बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर जो थे वो कैलाश सत्यार्थी थे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उनके इस आंदोलन के लिए उन्हें 2015 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ये ज्वाइंट प्राइज मलाला यूसुफजई के साथ उन्हें दिया गया था। वेयर इज द नेशनल पुलिस अकेडमी लोकेटेड। तो दोस्तों, नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में लोकेटेड है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द सेक्रेट काउ इज द नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों, सेक्रेट काउ जो है वो नेशनल एनिमल है नेपाल का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वर्ल्ड्स कल्चरल कैपिटल इन इंडिया। तो दोस्तों, इंडिया का कल्चरल कैपिटल कोलकाता को कहा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कॉल्ड एज गॉड्स ओन कंट्री इन इंडिया। तो दोस्तों, इंडिया में गॉड्स ओन कंट्री केरला को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन वाज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। तो दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 को एस्टैब्लिश किया गया। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये 4 मार्च को एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप। तो दोस्तों, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है 1 जुलाई 1966 को सेटअप किया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हु डिस्क्राइब्स द प्रेस ग्रुप्स एज द थर्ड हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो दोस्तों, HM फाइनर ने प्रेस को लेजिस्लेचर का थर्ड हाउस डिस्क्राइब किया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द फूड सिक्योरिटी लॉ। तो दोस्तों, फूड सिक्योरिटी लॉ पास करने वाला फर्स्ट स्टेट छत्तीसगढ़ है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज द ओनली कंट्री हुज पोस्टेज स्टैम्प डू नॉट बेयर इट्स नेम। तो दोस्तों, UK के पोस्टेज स्टैम्प पे कंट्री का नाम नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हु क्रिएटेड हॉटमेल। तो दोस्तों, हॉटमेल को सबीर भाटिया ने क्रिएट किया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। विच कंट्री हैज द 3 कैपिटल्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका ओनली कंट्री है वर्ल्ड में जिसके 3 कैपिटल्स हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया।
दोस्तों फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जिन्होंने इंडिया को विजिट किया है वो डीडी आइजनहावर हैं। इन्होंने 1959 को इंडिया को विजिट किया था। ये यूएस के 34th प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इज फ्रॉम। तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग जो है वो यूएसए के सिटीजन थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द ग्रो मोर ट्रीज कैंपेन इन जुलाई 1950। तो दोस्तों जुलाई 1950 में के एम मुंशी ने ग्रो मोर ट्रीज कैंपेन इनॉग्रेट किया था। ये उस समय के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पर्ल सिटी। तो दोस्तों पर्ल सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जूनो इज द नेम ऑफ नासाज मिशन टू। तो दोस्तों नासा का जो है जुपिटर मिशन का नाम जूनो था। ये 5th अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया था और 5th जुलाई 2016 को जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर वॉज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट हेल्ड। तो दोस्तों फर्स्ट यूएन एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टॉकहोम में हुआ था। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। दोस्तों स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन का कैपिटल है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।